नमस्कार मित्रों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद दीपक सर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ UPSI और यूपी कॉन्स्टेबल पुलिस सबसे तेज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहां पर मिलेगी आपको UPSI और यूपी कॉन्स्टेबल पुलिस की सबसे तेज अपडेट, वो भी 100% सही। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज कुछ लोगों ने एक अफवाह उड़ाई है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो जनवरी महीने में होगा। आप इसको पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा है सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आप लोगों की परीक्षा जो कैंसिल हुई थी तो वो 2016 की परीक्षा कैंसिल हुई थी वो अब शायद जनवरी 2018 में कराई जाएगी, वो भी ऑफलाइन। तो मित्रों, आप ये समझ लीजिए कि ये न्यूज़ पूरी तरह से गलत है, ये कुछ एडिटर्स का काम है जिन्होंने इस पेज को गलत ढंग से डिजाइन किया है और आप लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया है। तो मित्रों, आप ये समझ लीजिए कि इस सूचना पर आप बिल्कुल भी ना जाएं, ये पूरी तरीके से गलत है और इसके चक्कर में पढ़कर आप अपनी पढ़ाई को भी बिल्कुल बर्बाद ना करें, क्योंकि इस बात पर 1% की भी सच्चाई नहीं है। आप लोग का एग्ज़ाम इससे पहले होगा और इसी साल होगा, आप इस बात को बिल्कुल 100% सही मानिए। तो मित्रों, आप लोग भ्रमित होकर अपनी पढ़ाई पर कोई नुकसान ना डालें और ऐसी न्यूज़ पर कभी विश्वास ना करें। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं तो हम सबसे पहले आपको अपडेट करते रहते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा आपको सबसे पहले सूचना दी जाती है कि एग्ज़ाम कब होने की संभावना है। तो अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कब होगा। तो ये न्यूज़ बिल्कुल भी गलत है। हमसे कई लोगों ने पूछा कि सर ये एग्ज़ाम शायद जनवरी में होगा, तो ये बिल्कुल भी गलत है। आप इस पर बिल्कुल भी ना जाएं। धन्यवाद।